कोविड वैक्सीन के लिए फर्जीवाड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। कोविड वैक्सीन के नाम पर साइबर ठग लोगों के बैंक अकाउंट पर डाका डाल रहे हैं। ऐसे में आप इस बात को लेकर बेहद अलर्ट रहें कि कहीं आप इस साइबर ठगी का शिकार ना बन जाएं। आप सिर्फ कोविड वैक्सीन को लेकर सरकारी गाइडलाइन का पालन करें और अपनी बारी आने का इंतजार करें। नमस्कार, मैं हूं बलजीत सिंह और आप मेरे साथ देख रहे हैं मिशन 24x7। अब शुरुआत करेंगे शाहजहांपुर के सबसे सुपरफास्ट बुलेटिन की फटाफट अंदाज में। सिंधौली में बेकाबू ट्रक ने बच्चे को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि कस्बे का ही रहने वाला मिथुन नाम का बच्चा सड़क किनारे साइकिल चला रहा था। बच्चे ने साइकिल से संतुलन खो दिया और वह सड़क पर जा गिरा। वहीं पीछे से आ रहे ट्रक ने बच्चे को टक्कर मार दी, जिससे बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने ट्रक चालक को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। सूचना के बाद मौके पर एम्बुलेंस न पहुंचने के चलते परिजनों ने घायल बच्चे को निजी अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसका उपचार किया जा रहा है। फिलहाल पुलिस इस मामले में जांच के बाद कार्रवाई करने की बात कर रही है। यातायात नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ शाहजहांपुर ट्रैफिक पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। ट्रैफिक पुलिस ने खिरनीबाग चौराहे पर चेकिंग अभियान चलाया। पुलिस ने वाहन चेकिंग करते हुए दर्जनों वाहनों के चालान काटे और हजारों रुपए का जुर्माना वसूला। साथ ही ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को यातायात नियमों का पालन करने की अपील भी की। मदनापुर पुलिस ने लूट की योजना बनाते हुए 3 सातीर लुटेरों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि इलाके के गुलैला खेड़ा चौराहे पर कुछ लोग लूट की योजना बना रहे हैं। इसी दौरान पुलिस ने लूट की योजना बना रहे व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए अभियुक्त सुमित, वैभव गुप्ता, शिवा उर्फ चूरी जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों के रहने वाले हैं। वहीं रात के कोहरे का फायदा उठाते हुए 2 अभियुक्त आकाश कश्यप और आर्यन उर्फ दुर्गेश भागने में कामयाब रहे। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों के पास से पुलिस ने मोटरसाइकिल समेत 2 मोबाइल फोन और तमंचा बरामद किया है। फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया है। साथियों, आओ साइकिल चलाएं। स्वस्थ पर्यावरण और ईंधन संरक्षण के लिए 31 जनवरी 2021 को सक्षम साइकिल दिवस का आयोजन किया जा रहा है। मैं मुख्य संयंत्र प्रबंधक इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन शाहजहांपुर प्लांट से आप सभी से अपील करता हूं कि इस साइकिल रैली को अधिक से अधिक मात्रा में अपना भागीदारी देकर सफल बनाएं। बड्डा ब्लॉक के सैदापुर गांव के रहने वाले सौरभ कुमार ने ग्राम पंचायत सचिव पर सुविधा शुल्क लेने के गंभीर आरोप लगाए हैं। सौरभ कुमार का आरोप है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए सचिव ने पहले उनसे 20,000 रुपए लिए थे। पहली किस्त आ जाने पर 20,000 रुपए और मांगे गए। पैसे न देने पर बैंक खाते से आवास के लिए आए पैसे की निकासी पर रोक लगवा दी गई। इस मामले में लाभार्थी ने जिलाधिकारी और मुख्यमंत्री से शिकायत भेजकर मामले में जांच के बाद कार्रवाई की मांग की है। भावलखेड़ा ब्लॉक के मीटिंग हॉल में आयोजित प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापकों की मासिक बैठक का आज आयोजन किया गया। इस मीटिंग को संबोधित करते हुए खंड शिक्षा अधिकारी ईश्वर कांत मिश्र ने बताया कि शासन और विभाग द्वारा प्रत्येक बच्चे को बुनियादी शिक्षा प्रदान करने हेतु प्रयास किया जा रहा है, जिसमें विद्यालय के लिए 14 पैरामीटर निर्धारित किए गए हैं, जिससे सभी विद्यालय संतृप्त होने चाहिए। शाहजहांपुर से जलालाबाद जा रहा ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे जा पलटा। गनीमत रही कि हादसे में किसी को कोई चोट नहीं आई। आपको बता दें कि FCI गोदाम से गेहूं भरकर जलालाबाद जा रहा ट्रक जमौर के पास सड़क किनारे पलट गया। बताया जा रहा है कि हादसा घने कोहरे के चलते हुआ। अच्छी बात यह रही कि इस हादसे में किसी को कोई चोट नहीं आई। हालांकि इस दौरान अनाज से भरी बोरियां फट गई। वहीं बाद में ट्रक दूसरे ट्रक से बोरियां भरकर जलालाबाद पहुंचाई गई। साथियों, आओ साइकिल चलाएं। स्वस्थ पर्यावरण और ईंधन संरक्षण के लिए 31 जनवरी 2021 को सक्षम साइकिल दिवस का आयोजन किया जा रहा है। मैं मुख्य संयंत्र प्रबंधक इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन शाहजहांपुर प्लांट से आप सभी से अपील करता हूं
कि इस साइकिल रैली को अधिक से अधिक मात्रा में अपना भागीदारी देकर सफल बनाए। कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला वाला तिराहा की रहने वाली एक महिला ने परिवार के ही लोगों पर जबरन मकान पर कब्जा करने का आरोप लगाया है। यहां की रहने वाली महिला आजमीन ने जिलाधिकारी को शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग की है। आजमीन ने बताया कि वह मजदूरी के लिए अपने बच्चों के साथ दिल्ली गई थी, इसी दौरान उसके परिवार के ही कुछ लोगों ने उसके मकान पर कब्जा कर लिया। फिलहाल अब पीड़ित महिला ने कार्रवाई की मांग को लेकर जिलाधिकारी से शिकायत की है। मिर्जापुर पुलिस ने कच्ची शराब और अवैध असलाह के साथ दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर छापेमारी करते हुए धीरापुरा मंदिर के पास से मुनीराम को शराब बनाते हुए पकड़ा, जिसके पास से 10 लीटर शराब और शराब बनाने के उपकरण बरामद हुए। साथ ही मौके से बरामद हुए लहन को पुलिस ने नष्ट करा दिया। वहीं पुलिस ने बख्तावरगंज के पास से अनिल को गिरफ्तार किया, जिसके पास से एक नाजायज तमंचा, 315 बोर और 2 कारतूस बरामद हुए हैं। फिलहाल पुलिस ने दोनों ही अभियुक्तों को जेल भेज दिया है। सिंधौली के मुड़िया मोड़ स्थित एमए पब्लिक स्कूल में कुकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में बच्चों ने अलग अलग तरीके के व्यंजन बनाए। इस दौरान स्कूल के प्रबंधक मोहम्मद आसिफ अली मंसूरी ने कहा कि ऐसी प्रतियोगिताओं से न केवल बच्चों में खाना बनाने की ललक पैदा होती है, बल्कि घरेलू कार्य करने की दक्षता भी आती है। साथियों, आओ साइकिल चलाएं, स्वस्थ, पर्यावरण और ईंधन संरक्षण के लिए 31 जनवरी 2021 को सक्षम साइकिल दिवस का आयोजन किया जा रहा है। मैं मुख्य संयंत्र प्रबंधक इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन शाहजहाँपुर प्लांट से आप सभी से अपील करता हूं कि इस साइकिल रैली को अधिक से अधिक मात्रा में अपना भागीदारी देकर सफल बनाए। खुडार पुलिस ने 5 सट्टेबाजों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर सट्टा खेल रहे 5 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से नकदी और ताश के पत्ते बरामद हुए हैं। गिरफ्तार किए गए अभियुक्त सरताज मोहम्मद, जमालुद्दीन, आरिफ, कलामुद्दीन और सद्दाम हैं। फिलहाल पुलिस ने सभी सट्टेबाजों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है।